नमस्कार दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और यहाँ वहाँ मत भटकिए। आज संडे है, उम्मीद करता हूँ कि आपका संडे बहुत अच्छा रहा होगा और अभी भी संडे के 2 घंटे 3 घंटे बाकी हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जीवन में एक लक्ष्य रखिए। बार बार लक्ष्य बदलने से आदमी कहीं का नहीं रहता है। आज मैं महसूस करता हूँ कि क्या बनना चाहता था और कुछ भी नहीं बन सका, और जितने भी हमारे आज दर्शक हैं उनके बच्चे हैं। आज का वीडियो आप सभी को समर्पित है इस विषय के साथ कि हर आदमी के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। बहुत पहले मुझे याद आ रहा कि हम लोग जब क्लास 6 7 8 के आसपास थे, सभी ने अपना अपना एक लक्ष्य चुन लिया। मेरा एक दोस्त, अभी मैं 5 मिनट पहले उनसे बात कर रहा था, वो पुलिस अफसर बनना चाहते थे और बने क्या, इंजीनियर। उस तरह से ऐसे हादसा ही कहूँगा, ऐसे हादसे बहुतों के साथ होते हैं। कोई व्यक्ति बनना कुछ और चाहता है और बन कुछ और जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है। और सबसे पहली बात कि हर आदमी के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होनी ही चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो माफ़ करिएगा, ऐसे लोगों को एवरेज मैन कहा जा सकता है कि वो औसत व्यक्ति हैं। जहाँ उनको रोज़गार मिल जाए, जहाँ 2 पैसे मिल जाए, जहाँ कोई पक्की नौकरी मिल जाए, वहाँ वो संतुष्ट है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। एवरेज होना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं मीडियम पाथ इज द राइट पाथ, मध्यम मार्ग सदा उत्तम है। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्यहीन जीवन भी कोई जीवन है। जो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं बनना चाहता है तो लक्ष्यहीन जीवन कोई बहुत सार्थक जीवन नहीं होता है। साधारण तौर पर हर आदमी जानता है कि वो जीवन में क्या करना चाहता है, लेकिन उसकी परिस्थिति उसको जहाँ झुका दे जो करा दे। हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे तभी फैसला कर लिए थे कि किसे क्या बनना है, और उनमें से किसी ने उस लक्ष्य को हासिल भी किया। यहाँ तक कि क्लास 10 तक आते आते हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अपना टारगेट बना लेता है। कोई बच्चा IAS अफसर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मेरे जैसा आदमी एक्टर बनना चाहता है। अभी कुछ देर पहले मैं धीरज कुमार जी की फिल्म देख रहा था, फिल्म एक्टर धीरज कुमार जी। मुझे जितना दिन मैंने मुंबई में काम किया, 90% मेरा इनकम धीरज कुमार जी की तरफ से आता था। उनके साथ मैंने सीरियल किया था घर की लक्ष्मी बेटियाँ, श्री गणेश लीला, और भी मैंने उनके साथ काम किए थे। यार दोस्तों, मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन जीवन में इतनी बार मैंने गलती की है कि मैं आज संडे को आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने उदाहरण हूँ एक असफल व्यक्ति होने का। क्योंकि जो बनना चाहता था वो बना नहीं, और क्यों नहीं बन पाया उस कमी को मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं उसी दिशा में चलिए। सबसे ज़रूरी है कि आप जो बनना चाहते हैं उसी दिशा में चलना चाहिए, उसी विषय में सोचना चाहिए, उसी विषय में बातें करनी चाहिए, उसी विषय में रिसर्च करनी चाहिए, तब आप जो जीवन में बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। और मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि लगभग 13 वर्ष की उम्र में, 12 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि मैं बॉलीवुड में एक्टर बनूँगा। और जब मैं इस दिशा में जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी मैंने की नहीं। एक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास थिएटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नाटक करना चाहिए, स्टेज शो करना चाहिए, वो मैं ज़्यादा नहीं कर पाया। मैंने नुक्कड़ शो बहुत किए हैं, शायद 50 से अधिक शो मैंने किए हैं नुक्कड़ पर, और स्टेज पर मैं 5 बार या 10 बार काम कर पाया हूँ। सबसे बड़ी जो गलती मैंने जीवन में की है वो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी दर्शक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि मैंने जीवन में साइकिल बहुत कम चलाया है। और मैं आप सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आज मेरे 1800 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 1800 सब्सक्राइब्स और 4.5 लाख से अधिक व्यूज, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको ये राय देना चाहता हूँ, अपने बच्चे से साइकिल ज़रूर चलवाइए, और अगर आपका बच्चा साइकिल चलाता है तो उसे एनकरेज कीजिए, उसे डिस्टर्ब मत करिए। 1/2 घंटा 1 घंटा रोज़ बच्चों को साइकिल चलाना चाहिए। जो बच्चा साइकिल नहीं चलाता है
वो आगे जाकर बाइक भी ठीक से नहीं चला पाएगा, और जो बच्चा बाइक और साइकिल ठीक से नहीं चलाएगा उसे कार चलाने भी डर लगेगा। और ये लोग जीवन भर दूसरे के बाइक पर पीछे बैठने का काम आते हैं। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं जीवन में साइकिल बहुत कम चलाया हूँ, बाइक भी बहुत कम चलाया हूँ, और कार तो नाम मात्र को एक दो बार चलाया हूँ। इस बात का मुझे आजीवन अफसोस रहेगा। और खुशी की बात यह है कि आदमी आज का आज चाहे तो इन चीज़ों को सीख सकता है। मैंने जीवन में 3 बार साइकिल ख़रीदा है अपने बच्चों के लिए, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि रोज़ 1 घंटे साइकिल चलाऊँ। आज भी हर आदमी, जो मेरे जैसा 50 साल का आदमी भी, अगर चाहे तो प्रतिदिन 1 घंटा साइकिल चलाए, प्रतिदिन 10 मिनट बाइक चलाए और कार चलाए। मेरे पास तो सौभाग्य से तीनों है। सौभाग्य से मेरे पास साइकिल्स भी है, बाइक भी है और कार भी है। चलिए, मैं तो अपनी बात कर रहा था। उस समय जब मैं एक्टर बनना चाहता था तब मुझे न तो साइकिल आता था, न बाइक आता था और न कार चलानी आती थी, और मैं बॉलीवुड पहुंच गया था। एक्टिंग भी कोई बहुत डिफाइंड एक्टर में नहीं था, बहुत कमाल का एक्टर में नहीं था, कॉन्फिडेंस लेवल 0 था। तो आप जो जीवन में लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, सबसे ज़रूरी है कि आदमी को एक लक्ष्य चुनना चाहिए। दूसरी जरूरी बात कि आपको अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए। ये सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हर आदमी को अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जिस आदमी को अपने ऊपर श्रद्धा नहीं हो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसे सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले हर आदमी को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, उसके अनुसार प्लानिंग करनी चाहिए और बार बार अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। मैंने जीवन में बहुत बार रास्ता बदला है। बनना चाहता था मैं एक्टर, और बहुत पहले से 89 से मैं पढ़ाता था ट्यूशंस। आप ट्यूशंस पढ़ाएंगे और एक्टर बनना चाहेंगे, ये दोनों दो अलग रास्ते हैं, बल्कि विपरीत रास्ते हैं। मैं 89 से 95 तक मैं बहुत बार अपने घर में या दूसरों घर में ट्यूशन पढ़ा था। तो जो व्यक्ति ट्यूशन पढ़ाएगा वो एक्टर क्या बनेगा। जब मैं मुंबई गया तो वहाँ पर अपने रूम का किराया भरने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी, और मुंबई में मुझे लगता है कि मैंने 5-6 बार से अधिक बार नौकरी की है। जो आदमी मुंबई में नौकरी करेगा वो एक्टर क्या बनेगा। चाहे गरीबी हो या मजबूरी हो या कमज़ोर मानसिकता हो, हर हाल में मुझे असफलता मिली। और यही बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो लक्ष्य आप बनाते हैं, चाहे उस लक्ष्य को पाने में ज़िंदगी बीत जाए, अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मजबूरी में आप काम दूसरे भी कर सकते हैं अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, लेकिन जो आप करना चाहते हैं वही करिए, जो आप बनना चाहते हैं वही बनिए। मेरे साथ और भी 8-9 लड़के मुंबई गए, मुझे छोड़कर बाकी सब वहीं पर हैं। उन लोगों ने कोई ना कोई काम चुन लिया, लक्ष्य तो नहीं कहूँगा, उन लोगों ने कोई ना कोई काम चुन लिया है और वो अपने काम पर लगे हुए हैं, या कहीं अपने लक्ष्य पर लगे हुए। मैं लौट करके घर आ गया एक बुद्धू की तरह, क्योंकि मेरे में कमी है, और सबसे बड़ी कमी है कि मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है। असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है अपने आप पर भरोसा नहीं होना। जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था वो मेरे में नहीं है। ड्राइविंग से डरता हूँ, बहुत सारी कमी मेरे में है, और मैं एक्टर बनना चाहता था। ये और बात है कि आप सभी का सहयोग है कि आज यूट्यूब पर मैंने जो भी वीडियो बनाता हूँ आप सभी दर्शक उसे देखते हैं। परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी कि शेर बनो गीदड़ नहीं, उसका अभी से 80 से अधिक व्यू आ चुके हैं, 80 से अधिक व्यू आ चुके हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं कुछ देर पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था कि जो मैं बनना चाहता हूँ, अब मेरे मन में सिर्फ एक विचार है, यूट्यूबर बनना। यूट्यूब को बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने मुझे ऐसा मौका दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर आज 4.5 लाख से अधिक लोग मुझे देख चुके हैं, 1800 से अधिक सब्सक्राइबर्स मेरे हैं। इसके अलावा यूट्यूब एक ख़ास टारगेट अचीव करने पर पैसे भी देता है। बहुत आभारी हूँ इस यूट्यूब का जिसने मुझे काम करने का मौका मिला है। और मैं अपने लक्ष्य के प्रति अब ईमानदार रहना चाहता हूँ। मैं अगर एक्टर बनना चाहता हूँ तो सिर्फ एक्टर बनना चाहता हूँ, बात ख़त्म। मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ ताकि जो जीवन में जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग नहीं करें। इसलिए मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ ताकि जो स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं या जो कुछ भी हैं, मैंने अगर कोई गलती की है तो उस तरफ मैं आप सभी को इंडिकेट कर सकूँ कि ये गलती आप भी ना करें, अपना समय बचाएं।
तो जो कोई मित्र भी जिन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, अपने लक्ष्य की तरफ देखें, अपने लक्ष्य के विषय में सोचें, अपने लक्ष्य के विषय में सर्च करें, वैसे ही लोगों के साथ उठे बैठे जो आपके लक्ष्य की तरफ जा रहे हों, तो आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित है। और अगर किस्मत खराब रहा तो मेरी वाली हालत होगी। जब मैं मुंबई गया, वहाँ जाकर मैंने स्पिरिचुअल लाइन पकड़ लिया। मुझे ओशो अच्छे लगते हैं, मैं ओशो के साथ उनके ओशो टाइम्स पढ़ने लगा, उनके ध्यान शिविर करने लगा। उससे कोई नुकसान नहीं था। अगर हम ओशो को पढ़ते हैं, उनको मानते हैं, तो ओशो के साथ कोई नुकसान नहीं है। ओशो हम लोग के माइंड को अनलर्न करते हैं, स्लेट को पोछ डालते हैं, ताकि हम जो बनना चाहते हैं वो और निखर कर उभरे। मुझे ओशो के कारण कोई भी समस्या नहीं हुई है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरुदेव के कारण हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, फोकस टू वन पॉइंट, अपने फोकस को एक बिंदु पर लगाएं, अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करें, एक लक्ष्य को चुनें और उसी दिशा में आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग हैं जो आपको लक्ष्य में आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे, उनके साथ आप रहिए, उनसे सहयोग लीजिए। और जो लोग भी आपके लक्ष्य में बाधा बन रहे हैं, कृपया उनका साथ छोड़िए। फिर से सुनिए, जो लोग भी आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा हैं, उनसे हाथ छुड़ाइए और अपने समय को बचाइए। एक बार जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद कर लेता है, वो बाद में समय उसको खुद ही बर्बाद कर देता है। आज मैं 50 साल से अधिक का हूँ, 51 आप कह सकते हैं, 50 साल 2 महीना। इतना उम्र गुजरने के बाद मुझे ख्याल आता है कि मैं क्या बनना चाहता था और कुछ भी नहीं बन पाया। मैं एक्टर बनना चाहता था और मैंने लगभग 5-10 सीरियल्स फिल्म में काम किए, उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ। और आज वर्षों बाद यूट्यूब की सहायता से मुझे दोबारा दर्शकों के बीच जाने का मौका मिला। मैं दिन में 3 फनी वीडियोज़ बनाता हूँ, आज ही मैंने बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है उसको। मैं दिन में 3 फनी वीडियोज़ बनाता हूँ और शाम को मोटिवेशनल स्पीच करता हूँ, और सही समय आने पर मैं ड्रामा क्रिएट करके छोटे छोटे ड्रामास प्रोड्यूस करूँगा, वेब सीरीज प्रोड्यूस करूँगा, यहाँ तक कि फिल्म भी प्रोड्यूस करूँगा। क्योंकि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है, एक्टर बनना। मैं आज के बाद से अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता हूँ। दिन रात रिसर्च करूँगा तो अपने फिल्म के विषय में, अपने एक्टिंग बनने के विषय में। और आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, आप और आपके बच्चे, कृपया दूसरे की मर्जी से लक्ष्य निर्धारित मत कीजिए। एक खतरा होता है, माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये बने और बच्चा कुछ और बनना चाहता है, इस खींचातानी में बात बिगड़ जाती है। माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, और बच्चा अगर माता पिता की इज्जत करता है, सम्मान करता है, तो बच्चा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन उसकी अपनी आत्मा कहीं और है, वो कुछ और बनना चाहता है। ऐसे में मैं आप उदाहरण देना चाहूँगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का। जब अमिताभ बच्चन अपने नौकरी को छोड़ करके मुंबई चले गए और वो एक्टर बनना चाहते थे, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन को हमेशा सपोर्ट किया है। अमिताभ बच्चन को एक्टर बनने में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने हमेशा मॉरल सपोर्ट किया है। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बहुत सारी प्रेरक बातें बताई हैं, जिनमें एक कोटेशन बहुत फेमस है जो अमिताभ बच्चन अक्सर कहते हैं कि उनके पिताजी ने सिखाया था कि अपने मन का हो तो अच्छा और अपने मन का न हो तो और भी अच्छा। इस तरह से हरिवंश राय बच्चन ने अपने बेटे को असफलताओं को पार करना सिखाया। आज हम लोग इस बात को समझते हैं कि अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन सभी फील्ड में। आप नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, तो आज उन्होंने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, और भी बहुत कुछ उस विषय में आप सभी जानते हैं, उन्होंने सेंगोल का स्थापना किया, जो कुछ भी था। मुझे उसमें ये दिखाई पड़ गया कि मोदी जी का एक टारगेट है और वो अपने एक टारगेट को लेकर चल रहे हैं। जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर हो या धोनी हो, इन सभी का जीवन में एक लक्ष्य था और उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल किया। तो जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं, चाहे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, चाहे आप एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप कथावाचक बनना चाहते हैं, आप जीवन में जो बनना चाहते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके सिवा बाएं दाएं मत देखिए। आज का वीडियो मैं अपनी इसी बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ। लक्ष्य निर्धारित करें, अपने चॉइस को देखिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, उसी लक्ष्य पर टिके रहिए। जीवन रहे या जाए, हार मिले या जीत मिले, अपने लक्ष्य को बार बार नहीं बदलना चाहिए।
जो भी लक्ष्य आपने चुना है उसके मुताबिक तैयारी होनी चाहिए। असंभव तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन सा टारगेट है जो असंभव है? लगभग कोई भी टारगेट असंभव नहीं होता है, उसकी एक प्रॉपर तैयारी होती है। आप जीवन में चाहे आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, सभी लक्ष्य का एक डेफिनेट रूट होता है। उस रूट पर चलिए और आप उसे हासिल करेंगे। तो आज संडे है, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने मुझे समय दिया। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो कोई भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और नहीं पा सके हैं, उन दोनों को मेरा संदेश है, हर व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करे और जो जिन्होंने पहले से निर्धारित किया हुआ है अपने लक्ष्य पर उचित प्रयास करेंगे, आप जरूर सफल होंगे। मेरे सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे पीछे के सभी वीडियो को भी देख सकें और आने वाले वीडियोज़ को भी देख सकें। ईश्वर करे आप सभी जिन्होंने अपने अपने लक्ष्य बनाए हैं उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त हो, और जिन्होंने अब तक लक्ष्य नहीं बनाए हैं वो लक्ष्य बनाइए और बाएं दाएं मत देखिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन जाऊँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।